अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू पकौड़ा। ये झटपट बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने एक बाउल, इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। शामिल करेंगे थोड़े से हरी धनिया के पत्ते, करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई धनिया, शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक, शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, शामिल करेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, हरी कटी हुई 2 हरी मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बेटर बना लेंगे। बेटर हमारा तैयार है, इसमें आधा कप पानी लगा है। इसको 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट देंगे। पाँच मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। चावल के आटे को ज़रूर डालें, इसको इसकी बिल्कुल ना करें। यहाँ पर देखिए हमने आलू पतले स्लाइस में काट लिए हैं, इसको पतले ही काटें, मोटा ना काटें। आलू को हम बेटर में डिप करेंगे और इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे आलू डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू हमारे एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे क्रिस्पी और क्रंची आलू के पकौड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें हम तोड़कर दिखाते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार आलू के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। ये टी टाइम स्नैक है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।